Hi, this is Raj Gupta. You are watching me on Nagpur Today with Farhan. Alright, so hello and welcome. Hi, this is your host and host Vijay Farhan, and you guys are watching me again on Nagpur Today. And today we have the most, you know, a beautiful, and not talking about the personality, I'm talking about the talent. Okay. Yes. But then you are beautiful. Then I surely am. So today we have Raj Gupta with us, जिन्होंने मतलब 12 साल तकरीबन अभी industry में गुजारे, कई blockbuster फिल्में भी इन्होंने दी है, not as an actor, not as a director, but as in कहीं ना कहीं तो जुड़े थे इस फिल्म में, Tanuvitz Manu, D-Day और क्या नौटंकी साल, और कैसे जुड़े थे, कब से जुड़े थे, ये सारी बातें हम उनसे ही करेंगे और उनसे ही पूछेंगे. So first of all, आपके शहर में आपका वेलकम करता हूँ. थैंक यू सो मच. राज, कैसी रही आपकी जर्नी? सबसे पहले इंटर कैसे किया आपने बॉलीवुड में? अच्छा, सो इट्स रियली इंटरेस्टिंग जर्नी. जैसे हर कोई फिल्म देखता है, सबको फिल्मों में कुछ ना कुछ करना होता है, लेकिन एक्टर के अलावा कुछ पता नहीं होता ना. हाँ. क्योंकि हम स्क्रीन पे एक्टर देखते हैं. बिल्कुल. और वही करना था, एक्टिंग वैक्टिंग शुरू की, फिर समझ में आया भाई एक्टिंग तो होगी नहीं अपने से, अपने बस की नहीं है. फिर थोड़ा सा टेक्निकल साइड पे गए तो समझ में आया डायरेक्शन एंड राइटिंग इज द थिंग. ये मज़ेदार है, ये कर सकते हैं, ये मेरे अंदर से आता है. तो जी एच रायसोनी में फिल्म कोर्स है, मतलब अब नहीं है, उस समय हुआ करता था. 2007, आई एम टॉकिंग अबाउट 2005-06. सो 2007 आई कंप्लीटेड माई डिप्लोमा फ्रॉम देयर, और उसके बाद मैं मुंबई चला गया. जैसे सभी जाते हैं, सबको कुछ ना कुछ करना होता है. जैसे सभी की जर्नी होती है ना, जो लोग बॉलीवुड में आना चाहते हैं, चाहे राइटर, डायरेक्टर और एक्टर, व्हाटएवर, आपको कुछ नहीं पता, यू आर जीरो. आप वहाँ जाते हो और एक एक चीज़ एक्सप्लोर करते हो, नई नई चीज़ें देखते हो, और बिल्कुल जर्नी वही जीरो से शुरू हुई. कुछ पता नहीं था, यहाँ तक कि कौन सा ऑफिस कहाँ है ये भी नहीं पता. ये पता करना भी एक स्ट्रगल है. अरे उस समय आधा टाइम तो आधा एक दो साल उसी में निकल जाता. हाँ. और इन 2007 देयर वाज नो लाइक नॉट दैट मच इंटरनेट. इंटरनेट उतना एक्टिव नहीं था. गूगल मैप और गूगल इतना एक्टिव नहीं था. तो सब जाके पता करना पड़ता. तो जर्नी वहाँ से शुरू हुई. फिर साल दो साल जो स्ट्रगल और अंडरस्टैंडिंग बॉलीवुड एंड मुंबई दैट हैपन, एंड इवेंचुअली फिर वो समझ में आने लगी बात. फिर एक फिल्म की कुछ सीरियल किया, लाइफ में बात बन नहीं रही थी, और फिर लगा यार कुछ होगा नहीं होगा, क्या होगा, जो डाउट सबको होते हैं वो भी है. बिल्कुल. बट यू हैव टू ट्रस्ट द जर्नी, यू नो. अगर आपको ट्रस्ट है कि हो जाएगा तो ये होगा, चाहे आज नहीं कल होगा, तो पेशेंस इज द की. देन इवेंचुअली आफ्टर 2.5 ईयर एंड आई गेस आफ्टर 3 ईयर्स इट स्टार्टेड. आई गॉट Tanuvitz Manu. सेकेंड फिल्म, फर्स्ट फिल्म वॉज दिल कबड्डी. अच्छा. तो उसके 1.5 साल पर फिर काम नहीं मिला. फिर देन Tanuvitz Manu केम एंड इट बिकम ब्लॉकबस्टर. सो इट वॉज सुपर हिट फिल्म. तो लोगों को मैंने अच्छा, मैंने Tanuvitz Manu किया, तो लोगों को पता चला, अच्छा अरे यार अच्छा इसने Tanuvitz Manu किया, इसको काम दो. तो वो प्रोसेस वहाँ से शुरू हुई. फिर थोड़े से अप एंड डाउन के बाद में मुझे लगता है और 1.5 साल बाद इन 2011 समवेयर, और आई कैन से 2010-11 से लेके 2014-15 तक, इन नेक्स्ट 4-5 ईयर्स आई हैव वर्कड ऑन 8 फिल्म्स बैक टू बैक विदाउट ब्रेक. एंड आई वर्क विद ऑल लाइक ऑल द बिग डायरेक्टर्स लाइक निखिल आडवाणी, रोहन सिप्पी, आनंदन रॉय. देन आई डिड मैरी कॉम, रिश्किया. सो जो 0 AD से जो डायरेक्टर तक की जर्नी है वो ये 5-7 साल हैं, जिसमें फिल्म मेकिंग का टेक्निकल पार्ट और क्रिएटिव पार्ट और प्रोसेस बेसिकली वो समझ में आई. एंड देन आई गेस दैट वाज द जर्नी, दैट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ माय लाइफ. नाउ दिस इज सेकेंड इनिंग आई कैन से. वो एक ख़त्म हुआ इन 2014. आई स्टॉप डूइंग असिस्टिंग, आई स्टॉप असिस्टिंग. और उसके बाद में फिर ये हुआ कि फिल्म बनानी है. देन अगेन 0, क्योंकि आपने शुरू किया 0 थे, फिर आपने इतनी मेहनत की, अपना एक बनाई, एक दुनिया बनाई. लेकिन असिस्टिंग एंड डायरेक्शन इज टू डिफरेंट वर्ल्ड. तो यू हैव टू स्टार्ट अगेन फ्रॉम 0. तो फिर 0 से स्क्रिप्टिंग टू मेकिंग माय फर्स्ट फीचर फिल्म, इट टुक 3.5 ईयर. सो अभी भी हाँ. तो इफ यू वॉन्ट टू मेक द फिल्म यू हैव टू बी पेशेंट एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स. इट्स अ प्रोसेस एक्चुअली, इट टेक्स टाइम. It takes time. What was your, you know, dark and bright phase of your journey in Mumbai? Yaar,
आई कैन से इन 2009 समवेयर 2009-10 आई डिडंट गेट वर्क फॉर लाइक ईयर एंड मुंबई इज एक्सपेंसिव सिटी सो यू हैव टू सर्वाइव यू नो यू हैव एक्सपेंसिस टू पे एंड आई वॉज नॉट गेटिंग वर्क एंड इट वॉज डैम फ्रस्ट्रेटिंग आई वॉज गेटिंग टी वी बट आई डोंट वॉन्टेड टू डू टी वी सो फिल्म ही करनी है बिकॉज फिल्म के अलावा और कुछ समझ में नहीं आता है तो वो एक साल ऐसा गया कि काम नहीं था एंड आई वॉज इन डिप्रेशन नॉट डिप्रेशन डिप्रेशन बट आई वॉज वरीड कि यार क्या होगा नहीं होगा कब होगा एंड देन जैसे सबको मौका मिलता है आई गॉट अ चांस आई गॉट अ फिल्म कॉल्ड डिश्क्याओं इट वॉज प्रोड्यूस बाय शिल्पा शेट्टी सो दैट इज आई गॉट द फिल्म एंड आफ्टर दैट इन नेक्स्ट 4-5 years आई हैव वर्क लाइक आई वर्क ऑन 8 फिल्म्स विदाउट ब्रेक विद गुड मनी एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स सेटल हो गए यस यस और अभी भी जो अगली फिल्म कर रहे हैं ये प्रोड्यूस कर रहे हैं बाबा मतलब समझ जाओ संजय दत्त आई एम राइट सो कुछ बताएंगे क्या किस तरीके की ये फिल्म है कैसी होने वाली है कहाँ पे शूट होने वाली है कौन सी स्टार कास्ट इसमें आने वाली है सो मैं सब कुछ तो नहीं बता सकता लेकिन जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है मैं बता आई कैन शेयर नहीं तो प्रोड्यूसर्स मारेंगे अभी पिक्चर ख़त्म नहीं हुई है सो फिल्म अभी अनटाइटल्ड है फिल्म का नाम डिसाइडेड नहीं है इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं संजय दत्त एंड ब्लू मस्टैंग क्रिएशंस उनकी लास्ट फिल्म थी बकेट लिस्ट उन्होंने प्रोड्यूस की थी और फिल्म की जो मेन कास्ट है वो दीपक डोबरियाल इफ़ यू नो दीपक डोबरियाल तनुवर्ज मनु पप्पी जी ही इज़ प्लेइंग द मेन लीड उसके साथ में है नंदिता धुरी पाटकर एलिजाबेथ एकादशी की थी उन्होंने स्पृहा जोशी अभिजीत खाणकेकर एंड लॉट्स ऑफ अदर मराठी एक्टर्स चित्रंजन गिरी इज देयर एंड देयर इज वन टैलेंटेड गाय लाइक स्मॉल किड आर्यन मेघजी ही इज ब्राइट ही इज अमेजिंग इट्स अ लव स्टोरी ट्रेलर It's a family drama. It's a family drama. So, it's a family drama film set in village of Konkan. Okay. Or, bahut interesting. It's an interesting premise. I can say people will love to watch this film. Or, it's a universal story. Or, family ke saath pure parivar chote bado ke saath aap jaake dekh sakte ho. So, this film has that. अच्छा मुझे जहाँ तक पता है राजकुमार हिरानी जो खुद नागपुर से ही है जो डायरेक्शन के फील्ड में इतना बड़ा नाम एक सक्सेसफुल परफेक्ट डायरेक्टर है जो उन्हें कहते हैं तो उनकी कई मूवी चीज़ें जो उन्होंने किए से वो जादू की झप्पी कई ऐसी चीज़ें जो मार्केबल हैं तो उनसे किसी ने जब पूछा था तो उन्होंने कहा ये सारी चीज़ें ना मुझे रिलेट करती है मेरे लाइफ की मैं GMC में जाता था मेरे फ्रेंड्स लोग रहते थे वहाँ पर तो ऐसा ऐसा होता था एक जो जेमी शेगिल का रोल है सेम हैपन विथ माई फ्रेंड्स तो ये उन्होंने अपने फिल्मों में डालने की कोशिश की तो कोई ऐसी चीज़ जो नागपुर से जुड़ी आपके ख्याल में आपके जहन में हो जो आपने आपके फिल्मों में डालने की कोशिश की है लगता है कि नहीं ये चीज़ मेरे लाइफ में कहीं ना कहीं रिलेट करती है अगर मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँगा तो शायद सक्सेसफुल हो सकता है सक्सेसफुल का तो पता नहीं मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से किसी के बारे में कोई हाँ मतलब ये मैं इस तरफ बोल सकता हूँ कि यार फिल्म क्या है फिल्म इज़ यू नो कहीं ना कहीं अपने ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस कहानियों में जो भी आते हैं तो वो मेरी सोच बताएगा मैं ज़िंदगी को जैसे देखता हूँ लोगों को जैसे समझता हूँ ये कहीं ना कहीं मेरी फिल्म में भी आएगा तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो फिल्मों में डाली हैं लेकिन वो बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं अभी जो आपने इसके पिछले में भी डाला हो अभी का तो खैर नहीं बता सकते लास्ट एक 2 साल पहले एक शॉर्ट फिल्म बनाई कॉल्ड धागा वो मराठी में थी और पूरे लोकल एक्टर्स के साथ वो फिल्म बनाई और वो कांस गई जर्मनी गई और ऑस्ट्रेलिया गई 10-12 फेस्टिवल्स में गई एंड इट डिड रियली वेल वो पूरी कहानी नागपुर के लोगों की थी नागपुर की लैंग्वेज यूज़ की पहली बार विदर्भ की लैंग्वेज यूज़ हुई इन अ गुड वे और लोगों को बहुत मज़ा आया सो वो मेरे अंदर से आता है मतलब ऐसा कुछ है तो इस मूवी में जो आप अनटाइटल मूवी जो है अभी इसमें क्या कुछ करने वाले हो कुछ सोचा है इस चीज़ को लेके किया है ऑलरेडी किया है मतलब मैं वो ही जानता था किया है या फिर करने कि नहीं हो? किया है ऑलरेडी फिल्म में बहुत सारे न्यूएंसेस जो हैं वो ऐसा मेरे अंदर से आते हैं मेरे अंदर से आते हैं खासतौर पे कनेक्टेड हो नहीं दूसरी एक फिल्म है जिसमें मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ जो मेरे दो वो फिल्म है दो दोस्तों की कहानी है तो मेरे दोस्तों का बहुत कुछ उस कहानी में है
अभी, लेकिन मैं वो बोल नहीं सकता क्योंकि वो फिल्म अभी बनने की प्रोसेस में है। हाँ। तो है, ज़रूर है। तो जैसे अभी तो पहली फिल्म है ना, अब जैसे जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ेगी तो जो ज़िंदगी ने दिया है वो फिल्मों के थ्रू लोगों को वापस भी करेंगे, तो वो प्रोसेस है, इट्स ऑन। डोंट यू थिंक गाइस कि राज गुप्ता कहीं ना कहीं अनुराग कश्यप जैसे भी दिखते हैं? अगर आपको भी हाँ लगता है यही बात तो प्लीज़ कमेंट करें और मुझे ज़रूर बताएं कि मैं इस बात पे सही हूँ या नहीं। नहीं, सही है, करेक्ट है। मेरे को भी लगता है मैं अनुराग कश्यप जैसा दिखता हूँ, लेकिन ऐसा मुझे पसंद नहीं है कोई बोले तो। नहीं, आई एम जोकिंग। हाँ, और स्कूलिंग कहाँ से की आपने? स्कूलिंग यार मेरा मदन गोपाल अग्रवाल हाई स्कूल, सेम स्कूल एज माई फ्रेंड, लाइक तो मदन गोपाल बॉडी में है, वहाँ मेरी बेसिक स्कूलिंग हुई, देन आई वेंट टू GH रायसोनी। का कहीं आपने और एक्स्ट्रा कोर्स वगैरह किया अच्छा, या फिर में नहीं रे बॉम्बे में? नो नो मैम, नो। मुझे तो, मैं सबको यही बोलूँगा कि अगर आपको फिल्म मेकिंग, हाँ नहीं मैं बता रहा हूँ कि ये फिल्म मेकिंग ना का बेसिक 3-4 महीने में समझ सकते हैं आदमी। कोई भी फिल्म स्कूल आप जाएंगे, 3-6 महीने या 3 महीने का कोर्स करो, यू विल अंडरस्टैंड बेसिक्स, या गूगल कर लो आप, ठीक है। लेकिन अगर आपको सीखना है ना, तो आप मैदान में जाओ, आप फिल्म करो, असिस्ट करो, किसी भी डिपार्टमेंट में काम करो, वहाँ जो आपको सीखेगा, सीखने को मिलेगा ना, वो कोई फिल्म स्कूल नहीं सिखाता। तो जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वही फिल्म मेकिंग में वर्क करता है। जैसे मैं जब फिल्म स्कूल से गया तो मुझे लगा मेरे को पता है, वहाँ जाके पता चला कुछ नहीं पता है, इट इज़ ज़ीरो। एंड व्हेन आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, इट वॉज सो मच टू लर्न, लाइक अलग ही दुनिया है। इतना क्या होता है ना, हम जब यहाँ सीखते हैं, हम किताब सीखते हैं, किताब में पैसे नहीं लगते हैं, यू नो। जब फील्ड पे काम करते हो ना, तो हर मिनट के पैसे काउंट होते हैं। करोड़ों की फिल्म होती है, एक दिन में अगर 10 लाख का खर्चा है तो पर आर इट इज़ 1 लाख रुपीज़ फॉर अ फिल्म। और एक घंटे में अगर किसी के एक आदमी की गलती से आधा घंटे का नुकसान हुआ तो 50,000 का नुकसान है, इट्स एन एक्सपेंस, यू नो। तो वहाँ पर बहुत प्रैक्टिकल वे में काम होता है, वहाँ पर ऐसे काम होता है, भले आप 50 दिन शूट करो या 100 दिन शूट करो, हर आदमी टाइम कैसे बचेगा 5 मिनट यही सोच रहा होता है। तो जो प्रोफेशनल साइड है इसका, वो आपको वहीं मिलेगा, और वही रियल साइड है, फिल्म वैसे ही बनती है। एग्जैक्टली। एंड यू नो डायरेक्शन में अब फाइनली आप डेब्यू कर रहे हो, उतर कहीं अभी आपने असिस्ट किया, सब कुछ किया, सीखा, और ये पहला आप एक्सपेरिमेंट ही कहूँगा इसे मैं, आप एज ए डेब्यू कर रहे हो। एक्सपेरिमेंट नहीं है आप, यार, आपके शब्द में क्या कहना चाहोगे यार, डेब्यू तो ये मतलब ये है कि भाई फीचर फिल्म पहली बार बना रहा हूँ, यू कैन गिव दिस अ टैग लाइक डेब्यू, बट फिल्म इज इनसाइड मी, इट इज़ पार्ट ऑफ मी। व्हाट इज द बेस्ट एंड वर्स्ट पार्ट ऑफ बीइंग डायरेक्टर? ओह माय गॉड यार, वर्स्ट, चल चलो लेट मी टेल यू द बेस्ट थिंग। बेस्ट थिंग इफ यू लव, हाँ, इफ यू लव स्टोरी टेलिंग, दिस इज द वर्ल्ड, बिकॉज कैमरा एंड साउंड, यू कैन टेल ऑल द स्टोरीज यू वॉन्ट, इट कैन बी फैंटेसी, यू कैन लिव, जैसे एक्टर्स का होता है ना, एक जिंदगी में 50,000 जिंदगियाँ जी लेंगे वो, कभी वकील हैं, कभी पुलिस है, कभी कुछ है, सेम डायरेक्टर के साथ है। तो एक एक्टर एक फिल्म में एक कैरेक्टर जीता है, मैं एक फिल्म में 50 कैरेक्टर जीता हूँ, क्योंकि मेरे लिए हर कैरेक्टर इक्वल है, किसी के लिए 1, 2, 3, 4 नहीं है। तो इफ़ आई एम राइटिंग 5 कैरेक्टर्स और आई एम डायरेक्टिंग 5 कैरेक्टर्स, वो पांचों कैरेक्टर क्या सोचते हैं वो मेरे दिमाग से होके जाते हैं। सो इट गिव्स यू पर्सपेक्टिव टूवर्ड्स लाइफ, आई कैन से, और एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, मतलब कम टाइम में ज़्यादा समझ में आती है बात, मुझे ये लगता है। इफ़ आई एम राइटिंग अ सैड पार्ट, आई हैव टू बी अ सैड, आई हैव टू अंडरस्टैंड द सैडनेस, इफ़ आई डोंट अंडरस्टैंड द सैडनेस, वो कभी दिख ही नहीं सकते ना। ये बात शमी कपूर साहब के बेटे को कही थी, जब मैं उनसे, उन्होंने मुझे बताया था कि जब तक वो दर्द व एहसास तुम्हारे आँखों में ना आए, जब तक वो दर्द व एहसास तुम्हारे जिस्म पे, तुम्हारे शब्दों में ना आए, वो पर्दे पे बिल्कुल नहीं आ सकता, आ ही नहीं सकता, चांस ही नहीं है। डायरेक्शन में भी एक इम्पोर्टेंट, बिल्कुल है, इफ इफ अ कैरेक्टर इज क्राइंग एंड यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दिस पर्सन और दिस कैरेक्टर इज क्राइंग, उसके दिमाग में क्या चल रहा है इस समय, तो आप एक्सप्लेन कैसे करोगे, और कोई इसको जब तक आप एक्टर को बताओगे नहीं, वो करेगा क्या। सो यू हैव टू गेट गो थ्रू द सेम पेन। बिल्कुल। और इस इंडस्ट्री में जब भी कोई कदम रखता है या फिर काम शुरू करता है, तो हर किसी का एक ख्याल होता है कि एक्टर हो तो चाहता है कि मैं इस डायरेक्टर के साथ काम करूँ, और डायरेक्टर हो तो चाहता है कि मैं इस एक्टर के साथ में काम करूँ,
तो मैं पूछना चाहूंगा राज गुप्ता की, अगर कहीं मर्जी हो या उनकी कोई इच्छा हो कि वो किस एक्टर को लेके आगे फिल्म बनाना चाहते हैं, यार मैं आई विल बी ऑनेस्ट, आई एम नॉट गिविंग यू अ क्या बोलते हैं उसको, हाँ डिप्लोमेटिक आंसर, बट आई एम ऑनेस्ट अबाउट दिस, आई वॉन्ट टू टेल स्टोरीज. अभी मैं जो भी कहानियाँ लिख रहा हूँ या जो कहानियाँ, बट एक डायरेक्टर की तो जहन में होता है कि नहीं यार पर्टिकुलर एक एक्टर मेरे को लगता है कि वो चेंज होता है, वो कहानी के हिसाब से बदलता है ना. तो अभी जो कहानी है उसके लिए मैं कुछ अलग सोच रहा हूँ. अगली करना तो सबके साथ काम है, किसके साथ नहीं करना, सलमान शाहरुख सबको, आपको सब चाहिए है ना. लेकिन जब कहानी होगी तो एक्टर के बारे में बात करना आसान है. अभी कहानी नहीं है तो मैं मुझे नहीं पता किसके साथ काम कर सकते हैं. करना तो सबके साथ, व्हाई नॉट, ऑल द बैक, किसको नहीं चाहिए बताओ यार. नहीं डिप्लोमेटिक नहीं है, इट इज ऑनेस्ट फ्रॉम माई साइड. हाँ यही है. तो अभी इसके बाद कुछ और आपने बताया कि एक और फिल्म कर रहे हैं, प्रोसेस तो है ऑलरेडी. नागपुर से कितने लोग जुड़े हैं इस फिल्म में जो आप अभी कर रहे हो संजय दत्त प्रोडक्शन के साथ, संजय दत्त ने जो प्रोड्यूस की? तेजस देवस्कर इज पार्ट ऑफ द ब्लू मस्टैंग टीम, प्रोड्यूसर, तो ही इज वन ऑफ द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म. ही इज फ्रॉम नागपुर, ही डायरेक्टेड बकेट लिस्ट जी, एंड वी आर फ्रेंड्स फ्रॉम लाइक 8-10 years, वी नो ईच अदर. और हमारे एक एसोसिएट प्रोड्यूसर है अनिल नायर, ही इज फ्रॉम नागपुर. एंड देन बैकग्राउंड म्यूजिक जो कर रहा है सुष्मित लिम है, ही इज फ्रॉम नागपुर. एंड देयर वर एडीज फ्रॉम नागपुर, देयर इज वन एक्टर जयंत गाड़ेकर, ही इज फ्रॉम नागपुर. एंड या आई गेस ये लोग हैं, बहुत लोग हैं. और मुझे लगता है कि आने वाले समय में नागपुर ज़्यादा टैलेंट अगर बॉम्बे ले जा सको तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि यू आर फ्रॉम नागपुर ओनली. यू आर वेलकम, यू कैन कम, यू आर टैलेंटेड. थैंक यू सो मच. अगले फिल्म में जरूर मिलेंगे राज गुप्ता के साथ में. नहीं यार बहुत लोग हैं, इट्स जस्ट दैट वी डोंट नो यू नो, बट नागपुर में, नागपुर के इतने लोग हैं मुंबई में, और बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं. सिर्फ हमको पता नहीं है, क्योंकि वो वहाँ जाते हैं और वहीं रह जाते हैं, मतलब वहाँ के हो जाते हैं, वो वापस नहीं आ रहे. कहीं ऐसा हुआ कहीं आप गए हो कहीं काम करने या कोई भी काम के सिलसिले से अपने फिल्म में ही, और किसी ने बोला कि यार यू आर फ्रॉम नागपुर, अरे मैं भी वैसे हूँ, भाई क्या जमती है, मतलब तो कहीं हुआ है ऐसा? बिल्कुल, ये यही होता है कि मुझसे किसी ने ऐसा हुआ है. तो मेरे किसी ने बोला नागपुर यार, साहु जी चना पोहा, अरे तो कनेक्शन यहाँ से शुरू होता है, देन यू डोंट नीड वर्ड्स, यू कैन टॉक अबाउट द फूड एंड द प्लेसेस. आई कैन, वही तो ऐसा मतलब होते रहता है आपके साथ में. हाँ हाँ ये बहुत होता है. और अपने शहर का कोई हो उसका जो एक्साइटमेंट है वो नेक्स्ट लेवल है. अरे बिल्कुल, मतलब वो. और पता है क्या, अपने नागपुर से जो भी जो लैंग्वेज है, हिंदी मिक्स मराठी, अरे क्या मामा क्या कर रहा है तू, अरे बोलना उसको, अरे भाव जाने देना रे छोड़ना. तो जैसे ही वो सुना पता चलता है कि नागपुर का. दो माय मराठी इज नॉट दैट ग्रेट, आई डोंट स्पीक लाइक, ऐसा मेरा समझ में सब आती है, बोलने की दिक्कत है क्योंकि मुंबई जाके खराब हो गई वो. वहाँ कोई मराठी नहीं बोलता. चल उठा रहा, चल चल, नॉट दैट बट यस, हाँ हिंदी और वो सब इंग्लिश में बात करते, मराठी में बात नहीं करते, सर्कल नहीं है. सो बट फिर भी मेरे को नागपुर की वो आया ना, मेरे को कागज नहीं कगद, तो वो जो अपना मजा है ना, वो कागज भी इतना, कगद भी इतना खूबसूरत लगता है उसमें, तो दैट इज गुड. यस, तो अपने शहर का अपना एक है तो लगाओ है अभी भी. हाँ हाँ बहुत लगाओ है, ये खत्म नहीं होगा, सिर्फ आना जाना में भी कम हो जाता है. और मेरा तो यार, मेरा चाइल्डहुड यहाँ का है, मैं बचपन पूरा यहाँ का है, दोस्त यहाँ का है, बचपना यहाँ का है. मैं अगर वो निकाल दूंगा तो फिर तो बात ही खत्म है, लाइफ इज डेड. तो मैं भले साल दो साल डेढ़ साल में एक बार आऊँ, बट हम मेरे सारे दोस्तों से और सबसे बात होती रहती है. हफ्ते 10 दिन में हम लोग कनेक्ट करते हैं, कुछ ना कुछ बात होती है, और हर बार सावजी का प्लान होता है. अरे वाह, अगले बार अपन साथ में जाएंगे. बिल्कुल चलेंगे. हाँ हाँ, व्हाई नॉट. मुझे बताओ, कई पिक्चरें तो बना रहे हो आप, बड़े बढ़िया, मतलब एकदम फाड़ू, फर्स्ट क्लास. फैमिली वैमिली कब बना रहे हो? अरे यार फैमिली पता नहीं, अभी तो ढूंढा नहीं, सोचा नहीं, समझा नहीं. हाँ अगर कुछ समझ में आई है तो फिल्म मेकिंग और फिल्म. सो जैसे ही कुछ होगा मैं, मतलब क्यों नहीं, अभी अभी तो यार, अभी तो अब तो शुरू हुई है जिंदगी, इसका तो इंतजार था, अभी यहाँ से करेंगे ना, होगा. इसी नोट पे हम लोग आपसे बातचीत खत्म करते हैं. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. थैंक यू फॉर हैविंग योर टाइम.
नागपुर टुडे एंड जल्दी मिलेंगे. और बिफोर अ साइन ऑफ आई ऑलवेज आस्क कैसा लगा फरहान के साथ. फरहान इज अमेजिंग, फरहान इज फैंटास्टिक, आई कैन से मजा आया, दोबारा जरूर मिलेंगे. थैंक यू, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच राज, वॉज नाइस मीटिंग यू एंड यू गाइज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. कमेंट आप कर ही दोगे? हाँ करेंगे जरूर, क्यों नहीं. थैंक यू.